शुरू हुआ भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला, भारत ने जीता टॉस और किया गेंदबाजी का फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला जो कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, इस मुकाबले का टॉस हो चुका है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों टीमों में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, किन 11 खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतर रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करके सीरीज को अपने नाम करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की टीम की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे पथुम निसंगा और कुशल मेंडिस। पिछले मुकाबले में कमाल की शुरुआत करने वाले इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बार फिर श्रीलंका की उम्मीदें रहेगी। अगर ये शानदार शुरुआत देते हैं तो फिर इस टीम के लिए आगे के लिए थोड़ा रास्ता सही हो सकता है। इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें धनंजय डिसिल्वा खेलते हुए नजर आएंगे। यह भी एक बेहतरीन प्लेयर हैं जो कमाल की बल्लेबाजी इस टीम के लिए कर सकते हैं। इनसे भी काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद टीम को होगी। तो वहीं पर नंबर 4 पर चरित्र असलंका उतरेंगे जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी। तो वहीं पर नंबर 5 पर भानुका राजपक्सा खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 6 पर दसुन सनका उतरेंगे। इस समय इस टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन फॉर्म में कप्तान दसुन सनका ही चल रहे हैं, तो उनसे भी यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 7 की, तो यहाँ पर वनिंदु हसरंगा हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वनिंदु हसरंगा का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा इस सीरीज में तो अब तक देखने को मिला नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इस मुकाबले में टीम के लिए अच्छा करेंगे। तो वहीं पर नंबर 8 पर चमी का करुणा रत्ने उतरेंगे। तो नंबर 9 पर महेश दीक्षणा खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 10 पर कसुन रजिता और नंबर 11 पर दिलशान मधुसंका उतरने वाले हैं, यानी कि श्रीलंका की टीम काफ़ी शानदार नजर आ रही है। वहीं पर अब टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। अब तक दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, खास करके यहाँ पर एक भी मुकाबले में बल्ला नहीं चला है शुभमन गिल का, तो उनके लिए यहाँ पर इस मुकाबले में रन बनाने जरूरी हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर हमें सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 4 पर टीम इंडिया की तरफ से राहुल त्रिपाठी उतरेंगे। तो नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या उतरने वाले हैं। राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों के ऊपर टीम इंडिया को काफ़ी उम्मीदें होगी। इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर टीम इंडिया की तरफ से दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आएंगे। दीपक भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो कमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 7 पर अक्षर पटेल उतरेंगे। अक्षर पटेल अब तक टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं इस T20 सीरीज़ में, साथ ही गेंदबाजी में भी इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, तो इनसे भी यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे शिवम मावी। तो नंबर 9 पर टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे हर्षल पटेल, जबकि नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं उमरान मलिक। तो नंबर 11 पर उतरेंगे यजवेंद्र चहल, यानी कि दोस्तों टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात की जाए तो फिलहाल काफ़ी शानदार नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है, टीम इंडिया या फिर टीम श्रीलंका? आप हमें अपनी टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।